नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग बात करने वाले हैं रियूज्ड कंटेंट कैसे आता है, कैसे काम करता है और चैनल को कैसे डिलीट करवाता है, परमानेंटली चैनल को कैसे बंद करवाता है, जितनी भी इनकम हुई सबकी सब बेकार चली जाती है भाई। तो इस समस्या से कैसे बच सकते हैं, अपने चैनल को कैसे बचा सकते हैं, मोनेटाइज अप्लाई कैसे करना है, उस टाइम पहले ये चेक कर लेना है। अगर चेक मोनेटाइज आपका हो चुका है तब भी आपको देखना चाहिए, क्योंकि 5-10 हज़ार तक सब्सक्राइबर्स जिसके भी होते हैं रियूज्ड कंटेंट आ ही जाता है। आप चाहे जितना अच्छा वीडियो बनाइए, चाहे जितने आपके सब्सक्राइबर हो, कुछ भी हो, रियूज्ड कंटेंट किसी को नहीं छोड़ता, रिपीटेड कंटेंट किसी को नहीं छोड़ता। सबके चैनल पर जैसे यूट्यूब स्ट्राइक मारता है वैसे ही चैनल पे रियूज्ड कंटेंट और रिपीटेड कंटेंट गूगल मारता ही मारता है। उसमें मतलब नेक भी ढील नहीं है, रियायत नहीं है, क्योंकि इसके नियम बहुत स्ट्रिक्ट है, मतलब सख्त है। तो भाई अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें। अगर आपके चैनल पर पहले से है तो भाई कमेंट कर सकते हैं, मैं कुछ कमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं कुछ ऐसी टिप्स आपको बताऊँगा जो कि आप खुद ही कर सकते हैं कम्प्लीट तरीके से। तो सबसे पहले सुनिए, आपके चैनल पे ना आए उसके लिए आपको क्या करना है, एक टॉपिक पर बहुत सारे वीडियो नहीं बनाने। अगर बनाने भी है तो सबकी टाइटल थंबनेल और डिस्क्रिप्शन वगैरह सब कुछ चेंज करके रखना है, सब कुछ बदल के रखना है। जैसे कि अभी आप साइड में देख लीजिए, ये भाई साहब टट्टू की टच, ये बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, इनके वीडियो ज़्यादातर मोनेटाइज से रिलेटेड रहते हैं, लेकिन सबका टाइटल अलग अलग रहता है भाई, सबकी वो थंबनेल अलग रहती है, डिस्क्रिप्शन सबका अलग रहता है और टैग बहुत सारे कॉमन भी हो जाते हैं, बहुत सारे अलग भी रहते हैं। तो इससे क्या होता है भाई, यूट्यूब को कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना ही गूगल को कोई प्रॉब्लम है। गूगल को वैसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती, गूगल एडसेंस को प्रॉब्लम होती है, जो कि आपके मनी को, पैसे को डॉलर से कन्वर्ट करके इंडियन रुपीस में बैंक में ट्रांसफ़र करवाता है, वही प्रॉब्लम उसी को होती है इस चीज़ से। तो ये आता कैसे, चलिए इसको समझ लेते हैं। जब हम एक ही टॉपिक पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, टाइटल टैग थंबनेल या कुछ सेम डालते रहते हैं, 3-4-5 वीडियो जब सेम हो जाते हैं तो भाई इसको प्रॉब्लम होने लगती है। इसको ये समझ में नहीं आता, साला एक ही वीडियो बना रहे हो तुम बार बार, उससे पैसा कमाने के चक्कर में। तो ये आपके एडसेंस अकाउंट को ब्लॉक कर देता है और जो भी रेवेन्यू बना होता है, जो भी पैसा बना होता है, वो खुद ही रख लेता है, वो आपको नहीं देगा भाई, खुद ही रख लेगा। तो ऐसी समस्या ना आए तो उसके लिए एक ही काम है भाई, अपने चैनल पे देख के रखिए, ऐसे वीडियो ना बनाइए। अगर किसी के चैनल पे आ गया है तो सबसे पहले बाई चांस धोखे से आ गया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आ चुका है तो आपको क्या करना है, सबसे पहले हड़बड़ी में कोई वीडियो डिलीट मत करना है, ठीक है, कोई भी वीडियो डिलीट नहीं करना है। क्योंकि जब मेरे पहले चैनल पे जब ये रियूज्ड कंटेंट आया तो भाई मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, इतना नॉलेज नहीं था, तो सबसे पहले मैंने वीडियो डिलीट कर दिए कई एक। तो एक भी वीडियो डिलीट नहीं करना है, हर एक वीडियो में आपको क्या करना है, बाई टी स्टूडियो में जाना है, मोस्ट व्यूज वीडियो पर क्लिक कर देना, अप्लाई कर देना, जितने भी ज़्यादा ज़्यादा व्यूज वाले हैं सब लाइन में लग जाएंगे वीडियो, उन वीडियोज़ को छांटना है, उनमें से कितने वीडियो का टाइटल सेम है, डिस्क्रिप्शन सेम है। मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी मैं आपको बता दूँ, जो पुराना चैनल था मैं किसी भी दूसरा डिस्क्रिप्शन डालता ही नहीं था, एक ही डिस्क्रिप्शन मैंने नोटबुक पे बना के रखी थी, फ़ोन के अंदर जो नोटपैड होता है उसमें बना के रखी थी, कंप्लीट तरीके से उसी को कॉपी करके हर वीडियो पे चिपकाता रहा। बाद में रियूज्ड कंटेंट आया और मुझे समझ में नहीं आया मैं क्या करूँ भाई, मैंने एक दो वीडियो डिलीट कर दी लेकिन डिस्क्रिप्शन चेंज नहीं की, और मैंने अपील वीडियो भी बाद में बना के अपलोड कर दिया, अपील वीडियो रिजेक्ट कर दिया गया, 3 महीने का उन्होंने टाइम मांग लिया, मैंने उस चैनल को छोड़ दिया, क्योंकि 3 महीने भाई मैं उस चैनल पे वेट नहीं कर सकता था, वैसे भी चैनल डाउन वो डेड था क्योंकि उस पर व्यूज बहुत कम आ रहा था। तो इसलिए मैंने एक नया चैनल क्रिएट किया और इसे आराम से चला रहे, कोई दिक्कत नहीं है, क्रिएटर्स की हेल्प। तो मुझे लगा कि आप लोगों को भी बताना चाहिए, जब समझ में आया पूरा का पूरा फंडा, तो आप लोगों को भी बताना चाहिए कि क्या नहीं करना है चैनल पर, क्योंकि बहुत ज़्यादा भाई मेहनत लगती है, तो भाई सबको पता होना चाहिए क्या नहीं करना। अभी AI का भी एक अपडेट आ गया, उसके बारे में बाद में अगले वीडियो में बात करूँगा, तो इसको पहले समझ लेते हैं। अगर आ चुका है तो आपको सबसे पहले सारे वीडियो चेक करने, सारे वीडियो नहीं, जो मोस्ट व्यू वाले हैं उनको चेक कर लेना, उनकी डिस्क्रिप्शन चेक कर लें, उनमें जो टैग है वो चेक कर लें, टाइटल और थंबनेल को चेक कर लें, एक जैसा कुछ नहीं होना चाहिए, ये आप बदल सकते हैं, वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते, चेंजमेंट कर सकते हैं और वीडियो को डिलीट नहीं कर सकते। अपील वीडियो कैसे शूट करना, बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, तो उनके हिसाब से देख के कोई अच्छा सा अपील वीडियो शूट कर लें, और हड़बड़ी में कुछ ना करें, घबराहट में कुछ मत करें भाई, आपको करना है जो कुछ भी करना है आप बिल्कुल शांति से करिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम दे देता है YouTube, 15-16 दिन का टाइम दे देता है, उसमें आप आराम से अपलोड कर सकते हैं वीडियो को, कोई दिक्कत नहीं, 15 दिन बहुत ज़्यादा टाइम होता है। अगर आपको 5 दिन भी आपने इसके बारे में रिसर्च किया तो भाई सबको समझ में आ जाएगा कंप्लीट तरीके से। तो अपने चैनल पे चेक करते रहिए, एक ही टॉपिक पे कितने वीडियो है उससे रिलेटेड देख लीजिए, जो भी अगर आपको कन्फ्यूजन लगती है तो भाई कमेंट करके पूछ सकते हैं, जितना होगा आपको बताया जाएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।